सभी लोगों से निवेदन अपने अपने स्थान पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के सम्मान में खड़े होने के लिए कार्यक्रम का शुरुआत राष्ट्रीय गीत से करेंगे। सभी स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी आपका पांगी घाटी में पधारने पर। अभी अभी आपने शायद 22 करोड़ की परियोजनाएं घाटी के लोगों के लिए शिलान्यास के लिए इस पर लिए सब मंत्री आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। मंडल अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट जिला परिषद हाकम चंद राणा जी, शेष राम जी, टीएससी के सदस्य कुरुक चंद जी, कल्याण जी, राजकुमार जी और एसीएस टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री जगदीश चंद्र जी आपका भी स्वागत है। सीओ की हिमोर्जा घाटी की ओर से ये स्वागत सम्मान माने मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ आप भी अभिवादन करें। सभी लोग इस सम्मान में शामिल हो चंपा की आज ये बहुत विशेष शिष्ट जो पूजा के दौरान प्रयोग की जाती है और आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी को सम्मानित करने के लिए पानीचंद जी आप आए कृपया। फोटो वाले पहली बार देखिए पानीचंद जी, श्री सुरेश कश्यप जी को माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश भाजपा को सम्मानित करने के लिए आए। स्वागत है, स्वागत है जी का, स्वागत है जी। और तालियां, आपकी तालियां बजती रहे। बहुत गणमान्य अतिथि हमारे बीच में आए हैं। श्री हंस राज जी माननीय उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा आप कृपया सम्मान प्राप्त करें। आशीर्वाद से और मुझे लगता है साहब हमारे मान मान लेंगे। हमें पांगी डिवीजन चाहिए जल शक्ति का और हमारे पास एक ही सब डिवीजन है और वो है किनार में अपनी जारी में। हम इस प्रदेश के गरीबों के दिलों की धड़कन और भूतों भविष्य की इस तरह के चीफ मिनिस्टर जिनका आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस तरह से नाम लिया जाता है जैसे लोग जय सियाराम जय राम। आपने अपने नाम को सच में चरित्रार्थ कर दिया है जिस तरह से प्रदेश को विकास की गति से आगे बढ़ाया है और मैं देख पा रहा हूं कि हमारी पांगी जो अब 19 पंचायतों की हो गई है कभी 16 की हुआ करती थी जहां इधर पार जो मैं देखता हूं पोंटो की तरफ कि भाई मांग हमारी रहती थी पंचायत बने इसका जिक्र भाई जियालाल जी ने नहीं किया। कभी फ्रंट पार वाले भी कहते थे कि हमारी भी पंचायत बने तो तीन तीन पंचायतें इस छोटे से हमारे लेकिन बड़े प्राकृतिक सौंदर्य से उत्कृष्ट क्षेत्र में दी है। इस तरह के चीफ मिनिस्टर आज हमारे बीच में है। हमारे साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे शिमला लोकसभा के सम्माननीय सांसद भाई सुरेश कश्यप जी हमारे बढ़ावा मिलेगा। ऐसा प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी जो मैप है घाटी का इसका अनावरण कर रहे हैं। जोरदार तालियां दोस्तों आप सभी की ओर से। ये घाटी के आने वाले समय में विकास की बात को प्रशस्त करेगा।